Once again, welcome back to the channel Commerce Mania. I hope you guys are doing absolutely fine. तो यार आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के पार्ट टू के बारे में. कल जो वीडियो मैंने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड की थी वहां पर मैंने कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर दिया था. मेरे पास यूजुअली बच्चों के ये मैसेज और डीएम्स आ रहे हैं कि सर जो आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो वीडियो अपलोड की है उसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो लेट मी क्लियर वन थिंग कि मैं सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट से उन्हीं टॉपिक को सिर्फ उठा रहा हूं जहां से बेसिकली क्वेश्चन बनता है. अब मैं अगर यहां पर ब्लाइंडली यहां पर कह दूं कि सिर्फ इस टॉपिक पर्टिकुलर इस बड़े से चैप्टर में अगर मैं दो टॉपिक आपसे कह दूं कि आप दो टॉपिक पढ़ लीजिए तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जरूर नहीं वो टॉपिक आ जाए. हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको मैं डीपली और थोरली पढ़ाकर इतना टाइम आपका मैं कंज्यूम भी नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है. तो यहां पर हम इस टॉपिक में सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक ब्रॉड के प्रोस्पेक्ट से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पास्ट में जिनसे क्वेश्चन पुट ऑन होते आए हैं. तो बिना किसी वक्त को हम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं बात करते हैं और समझते हैं आज मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है वो सारे टूल्स या सारे वेरिएबल्स की अगर हम बात करें जिनको मैनेजर यूज करता है अपने मार्केट में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. यानी मार्केटिंग का मतलब है वो सारे टूल्स और वो सारे वेरिएबल जिनको यूज करके मैनेजर अपना टारगेट मार्केट में जो उसने गोल सेट किया था उस गोल को अचीव करने के लिए जिन टूल्स का वो यूज करता है हम उन्हें मार्केटिंग मिक्स कहते हैं. अब सवाल आता है कि सर ये टूल्स कौन से थे. तो मैं आपको बता दूं ये टूल्स है 4 P's प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोला जाता है. तो ये मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं या ये वो 4 tools हैं जिनका यूज करके मैनेजर अपने टारगेट मार्केट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है. तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले P के बारे में और यहां पर हम उसको थोरली बात करेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है. व्हाट इज प्रोडक्ट. एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर इज नोन एज प्रोडक्ट. वो कोई भी चीज जो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करे हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोडक्ट सिर्फ वो होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. लाइक ये मार्कर. मार्कर को मैं प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टेंजिबल है, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इसकी एक वैल्यू है और ये हमारी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहा है. तो फिर मुझे शायद ये बोलना चाहिए था कि प्रोडक्ट इज समथिंग दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड गॉट अ प्राइस ऑफ इट. लेकिन मैंने क्या कहा, एनीथिंग. एनीथिंग से मेरे कहने का मतलब है ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी जो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करे और जिसकी एक वैल्यू हो, जिसकी एक प्राइस हो जो कंज्यूमर को पे करनी है, ऐसी कोई भी चीज प्रोडक्ट कहलाती है. लाइक जो मैं सर्विस आपको दे रहा हूं, इवन दो इस सर्विस का कोई टेंजिबल एट्रीब्यूट नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सर्विस आपकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर रही है और इस मेरी सर्विस की एक वैल्यू है जो मुझे यूट्यूब पे कर रहा है. तो ये क्या है, ये भी तो एक प्रोडक्ट हुआ ना. तो प्रोडक्ट इज नॉट समथिंग दैट इज कन्फाइंड टू ओनली अ फिजिकल एट्रीब्यूट्स. नो. और जब भी हम एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सिर्फ उसके टेंजिबल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर ही हम उसको प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते, उसके इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स को भी हम कंसीडर करते हैं. लाइक अगर आप एक कार परचेज करने जाते हैं तो आप सिर्फ उस कार को इसलिए परचेज नहीं करते कि हाँ ये कार है, एक स्ट्रक्चर है, इसमें 4 पहिए लगे हुए हैं और बस ठीक है, ये मेरे डिस्टेंस को कन्वीनियंटली कवर कराने में मेरी हेल्प करेगी. नहीं, आप बहुत सारी इनटेंजिबल चीजें बहुत कंसीडर करते हैं, लाइक ब्रांड, लाइक जो सर्विसेज आपको उस प्रोडक्ट में उस कंपनी की कार से आपको या वो कंपनी उस कार के लिए देने वाली है, उन सारी चीजों को भी आप कंसीडर करते हैं जो कि इनटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देती. तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसके इनटेंजिबल और टेंजिबल एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं. यहां पर मैं एक और चीज थोड़ी सी आपको डिस्कस कर दूं कि प्रोडक्ट हमें बेसिकली 3 टाइप के बेनिफिट प्रोवाइड करता है. दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोडक्ट कितने टाइप के बेनिफिट्स कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है. तो याद रखिएगा प्रोडक्ट जो है वो 3 टाइप के हमारे कंज्यूमर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट और फंक्शनल बेनिफिट. साइकोलॉजिकल बेनिफिट,
Like if I have purchased a car, मैंने कार परचेज की है तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मेरे साथ ये है कि हाँ साइकोलॉजिकली मैं सेटिस्फाई हूं कि हाँ मेरे पास एक कार है, जब भी मुझे कहीं ट्रैवल करना होगा तो आई गॉट अ कार, मेरे लिए डिस्टेंस कवर करना बहुत आसान हो जाएगा. तो ये मेरा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है कि हाँ आई फाइनली परचेज अ कार. सोशल बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का आजकल सोशल बेनिफिट ये है कि आजकल आप देखिए कि लोग कहीं ना कहीं आजकल दोस्त वो बन रहे हैं. आजकल दोस्ती करने के लिए आपके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं होने चाहिए. आजकल होता है ना कि एक ग्रुप में कॉमन सी चीज क्या है भाई, कि उन कॉमन सी चीज ये है कि उन सारे ग्रुप में ना जितने भी लड़के हैं या जितने भी लोग हैं उन सबके पास एप्पल का मोबाइल है. एक ग्रुप बनाया रॉयल एनफील्ड का ग्रुप, उस ग्रुप का बेसिस ये था कि उसमें वही लोग हैं जिनके पास रॉयल एनफील्ड है. तो अगर मुझे इफ आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप तो कहीं ना कहीं मुझे भी रॉयल एनफील्ड परचेज करनी पड़ेगी. तो ये क्या है? ये सोशल बेनिफिट है. एनी वी वॉन्ट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी. और नेक्स्ट हम बात करें उसके फंक्शनल बेनिफिट यानी उसकी यूटिलिटी. तो कार हम जानते हैं कार की यूटिलिटी क्या है कि इट हेल्प्स इन कवरिंग द डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर करने में कार हमारी हेल्प करती है. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ बेनिफिट जो एक प्रोडक्ट हमें डिलीवर करता है. दैट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट, दूसरा सोशल बेनिफिट एंड तीसरा फंक्शनल बेनिफिट. अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की बात की जाए. याद रखिएगा जब भी कहीं मिक्स लग जाए वर्ड तो उसके आगे डिसीजन लगा दिए जाते हैं. तो ऑल दोज डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट आर नोन एज प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट को लेकर लिए जाने वाले सारे डिसीजन प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं. और जो डिसीजन प्रोडक्ट को लेकर लिए जाने वाले हैं वो है ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग. के प्रोडक्ट के लिए हम क्या ब्रांड रखेंगे, उसकी लेबलिंग कैसे की जाएगी और हम उसको किस टाइप से पैक करेंगे. पहले मैं आपको बता दूं ब्रांड क्या होता है. ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ नेम साइन सिंबल ऑफ अ प्रोडक्ट. किसी भी चीज को एक नाम, एक साइन या सिंबल दे देना ब्रांडिंग कहलाता है. लेकिन जब भी बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है. लाइक उसके लिए एक ब्रांड सेलेक्ट किया जाता है, वरना भीड़ में अगर खो गया तो अपने बच्चे को कैसे बुलाओगे, ए तू उधर आ, ए कौन है ये. तो एक ब्रांड रखना बहुत जरूरी चीज है. यानी कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट का नाम रखना बहुत जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं कंपनी डिफरेंशिएट कर पाएगी. जितने बच्चे गुम हो जाते हैं उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है, ये नहीं कहते एक बच्चा गुम हो गया, किसका बच्चा. तो उस बच्चे का एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, वीवो, एमआई, ये सारे क्या है, ये सारे ब्रांड है. तो ब्रांडिंग का मतलब होता है गिविंग अ नाइस नेम साइन सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज नोन एज ब्रांडिंग. किसी प्रोडक्ट को कोई नाम दे देना, कोई साइन दे देना. लाइक साइन के तौर पर आप देख सकते हैं कि नाइकी का साइन, प्यूमा का साइन या सिंबल जैसे ऑडी का, बीएमडब्ल्यू का, मर्सिडीज का. तो किसी भी प्रोडक्ट को कोई साइन, कोई सिंबल या कोई नाम दे देना ब्रांडिंग कहलाता है. अच्छा, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का अगर नाम रखती है तो ऐसा नहीं कि उसका फायदा सिर्फ कंपनी को हो रहा है. कि ऐसा नहीं कि हमने अगर अपने बच्चे का नाम रखा तो हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम उसे बुला सकते हैं. नहीं, दूसरों को भी तो पता चल जाएगा ये इसका बच्चा है. तो अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए अगर एक नाम रखती है तो कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है. मान लीजिए कि ये मार्कर है और इसका नाम है लग्जर्ड. तो इस कंपनी ने जब इसका नाम रखा है, इसको ब्रांड दिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फायदा क्या हो रहा है. हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. मैं किसी भी प्रोडक्ट को उसके ब्रांड से आइडेंटिफाई कर लूंगा. यानी अगर मैं किसी शॉप पर जाता हूं, वहां पर 50 टाइप के मार्कर रखे हुए हैं, तो आई कैन इजिली आइडेंटिफाई, आई कैन इजिली रिकॉग्नाइज कि कौन सा मार्कर लग्जर्ड का है. तो ब्रांड हमारा किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने में हमारी हेल्प करता है. दूसरा स्टेटस सिंबल. कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल ब्रांड, कोई हाई प्रोफाइल ब्रांड हमारे स्टेटस को और ग्लोरीफाई करते हैं. लाइक नाउडेज एक ट्रेंड है कि आजकल यंग जनरेशन हो, चाहे हम मिलेनियल्स की बात करते हैं या हम हैवी पॉकेट पीपल की बात करते हैं, दे लाइक टू परचेज ब्रांडेड आइटम्स. ब्रांडेड आइटम्स लाइक दे यूज टू हैव रोलेक्स की घड़ी, रेबिन का चश्मा, चीन की चड्डी और ईरानी चाय. तो दीज ऑल आर द ब्रांड्स. तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड हमारे स्टेटस को और ग्लोरीफाई करते हैं. देन इंश्योर्स क्वालिटी. नाउडेज व्हाई वी आर परचेसिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. कहीं ना कहीं ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे हमारा एक हमारे सिनेरियो परसेप्शन रहता है कि कहीं ना कहीं वो ब्रांड हमें क्वालिटी इंश्योर करता है. यानी एक चीज से सेटिस्फेक्शन होता है बैक ऑफ द माइंड कि जो गुड हम परचेज कर रहे हैं इट इज ऑफ गुड क्वालिटी. लाइक अगर आप एक परचेज करते हैं टाटा नमक, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज रहती है कि टाटा का नमक है तो शुद्ध नमक होगा क्योंकि देश का नमक है. वही अगर आप कोई अगर एक लोकल ब्रांड परचेज करते हैं तो इतनी रिलायबिलिटी नहीं आती है. द रीजन इज टाटा इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इन इंडिया फ्रॉम ईयर्स.
तो ये आपने देखा कि अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए अगर एक ब्रांड रखती है तो उसका फायदा कंज्यूमर को क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर कंपनी अपने नाम का ब्रांड रखती है, अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड रखती है, लाइक अगर इस मार्कर के लिए अगर लग्जर कंपनी ने अपना एक नाम रखा तो उस कंपनी को क्या फायदा होने वाला है। हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे कर पाएगी? कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट तभी कर पाएगी जब उसका कोई नाम होगा। तो ब्रांड से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं किसी भी दो चीजों को। क्यों भाई? दोनों मोबाइल है ना। अगर मेरे पास एट द सेम टाइम दो मोबाइल फोन है तो मुझे डिफरेंशिएट करने में आसानी कब होगी? अगर मुझे उनका ब्रांड पता हो तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये सैमसंग का है और ये वन प्लस का है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पाएगी अगर वो अपने प्रोडक्ट के लिए कोई नाम रख ले, क्योंकि अगर नाम नहीं रख पाएगी तो वो नहीं बता पाएगी ये उसका प्रोडक्ट है। देन एडवर्टीजमेंट, क्योंकि कहते हैं कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नाम तो होना चाहिए। तो कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे देन पीपल आर नॉट गोइंग टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कभी कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी आप अगर एडवर्टीजमेंट करते हो देन यू हैव टू डिसाइड अ नेम। आपको एक नेम डिसाइड करना होगा कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस नाम की एडवर्टीजमेंट होती है। याद रखिएगा, कभी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं होती, ब्रांड की एडवर्टीजमेंट होती है। क्लियर है? देन हम बात करते हैं इजी लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में बहुत आसानी हो जाती है अगर कंपनी का जो ब्रांड नेम है बहुत एस्टैब्लिश्ड है। आप देखिए, सैमसंग हो या आईफोन है या वन प्लस हो, दे आर नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन एडवर्टीजमेंट। हर जगह वो बैनर्स और पैम्पलेट्स नहीं लगाते। द रीजन इज क्योंकि सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। तो अगर किसी कंपनी का एक ब्रांड नेम बहुत एस्टैब्लिश है तो उसके लिए अपना कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत मुश्किल नहीं होगी। लाइक अगर मान लीजिए कि अगर एक कोई कंपनी है, लाइक एक स्कूल है जो बहुत वेल नोन स्कूल है, ठीक है, तो अगर कल को वो अपनी नई ब्रांच अगर शुरू करता है तो उस ब्रांच के आपको शुरुआत करने के लिए उसको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। यानी बनने के बाद, स्टार्ट होने के बाद उसको एडवर्टीजमेंट पर फोकस इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वो उसी ब्रांड के नेम पर ही बनी है। यानी सैमसंग ने भी, आप देखिए, सैमसंग ने अपना S20 अल्ट्रा और S20 प्लस और S20 सीरीज लॉन्च की है। तो उनकी उस लॉन्चिंग में आसानी क्यों हो गई है? क्यों सैमसंग के लिए अपने हर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत आसान हो जाता है? क्यों वो इतने एडवर्टीजमेंट नहीं करते? क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। तो ऐसा ही चीज मान लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक कोई ब्रांड नेम रखती है तो इट इज ओनली बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन कस्टमर ऑल्सो आर हैविंग द एडवांटेज अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड रखती है। नाउ हम बात करते हैं लेबलिंग की, कि लेबलिंग क्या होता है। लेबलिंग का मतलब होता है, आपने यूजुअली देखा होगा कि जब भी आप किसी दुकान पर जाते हैं, स्पेशली आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो बेसिकली उस प्रोडक्ट के पीछे दी गई इन्फॉर्मेशन, खासकर ये चीजों का ध्यान हम तब ज्यादा रखते हैं जब हम खासकर मेडिसिन लेते हैं। लाइक मान लीजिए कि आपकी मामा को खांसी हुई काफी, एंड शी आज यू कि बेटा एक जाओ एक कफ सिरप लेकर आओ। तो कफ सिरप जब भैया से आप मांगते हो तो सबसे पहली चीज जो आप उसके पीछे देखते हो उसकी एक्सपायरी, उसके प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और डोसेस कितनी देनी है, ये क्या है? ये है लेबलिंग। तो लेबलिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्ट पर डिस्प्ले करना लेबलिंग कहलाता है। दूसरे हम बात करते हैं कि लेबलिंग जरूरी क्यों होती है, क्यों लेबलिंग करना जरूरी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, जो ये कहता है कि हर प्रोड्यूसर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को दे। अब आप एक चीज बताइए, इस 125 करोड़ की आबादी में किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, क्या ये कंपनी के लिए पॉसिबल हो पाएगा कि इंडिविजुअल हर इंसान को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, उसके फीचर्स के बारे में बताए? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इस प्रोडक्ट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक लेबल बनाकर उस प्रोडक्ट के ऊपर रैप कर देती है, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट बारे में चाहिए कि ये कहां बना है, इसके प्राइस क्या है, ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो आपको उसके लेबल पर मिल जाती है। लेबलिंग के अपने फंक्शंस हैं, यानी कुछ रोल प्ले करता है लेबल। जैसे मान लीजिए, पहला डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन। आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कि वो कैसा प्रोडक्ट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्राइस क्या है, इसका प्रोड्यूसर क्या है, कौन कंपनी इसको बनाती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेबल के थ्रू मिल जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई पहचान सकते हो उसके लेबल से। अगर आपने कल को मान लिया कि मान लो आप दुकान के पास जाते हो, आप कहते हो मुझे लक्स साबुन देना,
और अगर वो आपको डिटॉल थमा देता है तो आप इजीली पहचान सकोगे कि भैया ये डिटॉल है। वो पूछेगा तुम्हें कैसे पता कि भैया इस पर डिटॉल का लेबल लगा हुआ है, इस पे लक्स का लेबल नहीं लगा हुआ। तो याद रखिएगा कि लेबल से हमारे जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसलिए कंपनी लेबल और लगाती है। अगर मान लीजिए कि आप साबुन परचेस करने जाए और वहां पर रखे हर साबुन पर कोई भी नाम ना डला हो, किसी भी कंपनी के ब्रांड का लेबल ना लगाओ, तो आप कैसे बता पाओगे कौन सा लेनल है, कौन सा लक्स है, कौन सा रेक्सोना है, कौन सा संतूर है और कौन सा गोदरेज नंबर वन है, नहीं बता पाओगे ना। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को किसी न किसी बेसिस पर क्लासिफाई कर देना। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो का जो वीडियो अपलोड की जैसे मैंने बताया था कि यूजुअली जब हम शॉपिंग मॉल्स में या फिर दुकान पर जाते हैं बेसिकली अपने कपड़े परचेस करने के लिए, तो अपने वालों में गया, मुझे कहा भैया मुझे जीन्स चाहिए, तो उन्होंने कहा भैया वहां रखी है, वहां पर आप देख लो। तो मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी कमर का जो साइज है जो कि 32 है ना, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि कौन सी जीन्स का साइज 32 है, मैंने उस पर लेबल देखूंगा। अगर मैं टी शर्ट परचेज करने जाऊंगा तो सबसे पहले अपना साइज का लेबल देखूंगा। तो यानी हमारे प्रोडक्ट को ग्रेड करने में लेबलिंग बड़ी हेल्प करती है। इस तरीके से आप देखिए, आप अगर टीवी परचेस करने जाते हैं तो उसके ऊपर इंचेस लिखा होता है, तो यानी हमारा जो लेबलिंग है हमारे प्रोडक्ट को ग्रेड करने में हेल्प करता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है लाइक कंपनी है लाइक टाटा टी रेड लेबल है, टाटा टी ब्लू लेबल है और टाटा टी ग्रीन लेबल है, तो कौन सा ये फंक्शन है, तो ये लेबलिंग है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रमोशन। हमारी लेबलिंग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट भी करती है। आपने देखा होगा अंकल चिप्स के ऊपर लिख के आता है 20% एक्स्ट्रा या 10% ऑफ, तो ये क्या है, ये एक प्रमोशन के टूल है ना। तो ये सारी चीजें क्या, उनका भी तो लेबल लगाया जाता है ना, ये 20% फ्री है या इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री, तो प्रमोशन कैसे हो रहा है लेबल लगाकर। देन बात करते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। कोर्ट के थ्रू अगर कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन कंपनी को कन्वे करनी है, जैसे आज से 10 साल पहले देखी, चाहे वो टोबैको के पैकेट्स हो या फिर सिगरेट के पाउचेस हो, सिगरेट के पैकेट्स हो, ठीक है, उन पर कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी वार्निंग लाइक के सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ और ईटिंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसी कोई भी स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं थी। लेकिन एज सून एज जब कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, तो इट बिकम काइंड ऑफ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज के वो ये सारी इंफॉर्मेशन को उस प्रोडक्ट पर डिस्प्ले करें। तो कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में डिस्प्ले कर पाती है कंपनी लेबल लगाकर। तो ये जो आपने देखा होगा ना कि तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है और सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये इन सब का भी लेबल लगता है। तो कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्ट के बारे में पास ऑन कर पाते हैं उसका लेबल लगाकर। देन हम बात करते हैं पैकिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया था चाहे 2 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट हो या फिर 2 लाख की कोई चीज, नाउअडेज कंज्यूमर वांट अ प्रोडक्ट इन अ पैक्ड फॉर्म, वो एक प्रोडक्ट को पैक्ड फॉर्म में चाहता है। और पैकिंग का मतलब क्या, अगर आपके सामने आ जाएगा डिफाइन पैकिंग, पैकिंग मीन्स एन आर्ट ऑफ डिजाइनिंग रैपर और कंटेनर, या तो रैप करो या कंटेन करो। देखो अगर मैंने बताया था कल कि अगर लिक्विड होगा तो आप उसे कंटेन करोगे, लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज है तो आप उसे रैप करोगे। तो पैकिंग रिफर्स टू आर्ट ऑफ डिजाइनिंग रैपर्स एंड कंटेनर फॉर दी प्रोडक्ट। जो इंपॉर्टेंट चीज है पैकिंग के बारे में है वो उसका लेवल्स के पैकिंग पैकिंग के 3 लेवल्स होते हैं। पैकिंग के 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और ट्रांसपोर्टेशन लेवल। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकिंग आप सुबह उठते हैं टूथपेस्ट करते हैं, तो जो टूथपेस्ट का ट्यूब है जिसके अंदर पेस्ट है वो है प्राइमरी पैकिंग, यानी इमीडिएट पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज प्राइमरी पैकिंग। बात करते हैं सेकेंडरी पैकिंग। जो ट्यूब टूथपेस्ट का जो ट्यूब है जिस कार्डबोर्ड बॉक्स में आया था, नया लेकर आते हो तो कार्डबोर्ड बॉक्स निकालते हो, उसके अंदर से टूथपेस्ट निकालते हो, तो वो जो एडिशनल पैकिंग है कार्डबोर्ड की उसे हम सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग कब यूज की जाती है? जब हम गुड्स को लॉट्स में परचेज करते हैं, या तो कहीं ट्रांसफर करने के लिए या तो स्टोर करने के लिए। तो स्टोर करने के लिए, बल्क में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग का। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पी के बारे में जिसका नाम है प्राइस। कि प्राइस क्या है? प्राइस का मतलब वो वैल्यू जो कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट के बदले। जब भी हम मार्केट में जाते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जो मनी हम पे करते हैं उस प्रोडक्ट के लेने के बदले, उसको हम प्राइस बोलते हैं। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैनेजर बहुत कॉन्शियसली और बहुत कॉशियसली कंसीडर करता है जब वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस सेट करता है, क्योंकि इंडिया में हम बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं। जरा सा प्राइस बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड पूरी तरीके से कम हो जाती है, लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स पर शिफ्ट कर जाते हैं। कि अगर पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है तो तुरंत सोडा पीना शुरू कर देते। तो वही सारी चीजें हैं, यानी
ये सारी चीजों को, सारे फैक्टर्स को एक मार्केटर ध्यान में रखता है जब वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करता है। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले और समझने वाले कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी का मार्केट में ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कंपनी का मार्केट में ऑब्जेक्टिव है कि उसको सेल बढ़ानी है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। बट इफ कंपनी वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द मार्केट देन कंपनी हैज टू इंक्रीज द प्राइस। अगर कंपनी को प्राइस बढ़ाना है, अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और अगर कंपनी चाहती है कि मार्केट में उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके तो उसको अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा व्हेन मैनेजर इज फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि लेस देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेगी। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा जब हम प्रोडक्ट की प्राइस को हम फिक्स करने वाले हैं। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन द मार्केट, दैट मीन्स काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विच इज रनिंग इन द मार्केट। अगर मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो आप ही के टाइप के गुड्स बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन कैसा है। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, यानी आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है, देन यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। तो आप ऐसी कंडीशन में जहां पर आपके गुड्स के सब्स्टिट्यूट है तो आप एक लेस प्राइस सेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। वही अगर मोनोपोली हो, यू आर ओनली द सेलर, देन यू कैन चार्ज द प्राइस द वे यू वॉन्ट। देन हम लीगल रेगुलेशन की बात करें। बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव टू सी कहीं उस प्रोडक्ट के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने फ्रेम आउट तो नहीं कर दिए। तो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम उस प्रोडक्ट के प्राइस को हम फिक्स करते हैं। तो बात करते हैं लास्ट, मार्केटिंग मेथड यूज, कि किस लेवल की मार्केटिंग की है। लाइक अगर एक कंपनी जो है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर मल्टी स्टार्स है, यानी बिगेस्ट स्टार्स से अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराती है, यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट कराती है, एंडोर्स कराती है, तो बेसिकली कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट। तो कहीं ना कहीं जो पैसा उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है, द कंपनी इज गोइंग टू कवर दैट कॉस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की मार्केटिंग हुई है। अगर कंपनी ने बहुत इंटरनेशनल लेवल पर उस प्रोडक्ट को मार्केट किया है, एडवर्टाइज किया है, तो बेसिकली उस प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा। अब हम बात करते हैं तीसरे एलिमेंट के नाम बारे में, जिसका नाम है प्लेस। प्लेस, प्लेस रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प्स इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर इज एट वन प्लेस, प्रोड्यूसर एक जगह है, लेकिन कंज्यूमर तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है। तो वो गुड्स यहां से वहां तक कैसे पहुंचेगा, इट्स ऑल अबाउट प्लेस। उसी के बारे में बात करने वाले हैं, प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स रिफर्स टू ऑल दोज एलिमेंट्स और एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज या वो सारे लोग जो गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कराने में हेल्प करते हैं। तो प्लेस मिक्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प्स इन फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। क्योंकि सेलिंग प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक गुड्स कंज्यूमर के पास फिजिकली अवेलेबल नहीं हो जाए। इट्स लाइक कि आपने अमेज़न पे एक फोन बुक किया एंड यू हैव ऑलरेडी पेड द प्राइस, बट इट डजंट मीन कि वो प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंप्लीट हो गया। वो सेलिंग प्रोसेस, वो मार्केटिंग प्रोसेस विल नॉट बी गेट कंप्लीटेड अंटिल अनलेस यू रिसीव्ड द गुड्स इन अ फिजिकल फॉर्म। जब तक आप उस गुड्स की फाइनली डिलीवरी फिजिकल फॉर्म में नहीं ले लेते तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो प्लेस मिक्स इज ऑल अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज जो गुड्स के फिजिकल मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। और यहां पर हेल्प करने वाले अगर हम बात करें तो वो जो एक्टिविटीज है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द मिडल मैन, वो मिडल मैन जो गुड्स को फिजिकली डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द मिडल मैन दैट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में जो लोग, जो मिडल मैन हेल्प करते हैं, उन्हें हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल क्या होता है, जब भी कंपनी डायरेक्ट प्रोड्यूसर, when the producer is selling the goods directly to the consumer is known as direct channel. And what is indirect channel? Indirect channel is a channel where middlemen are involved. With the middlemen are involved, the direct channel जहां पर company producer directly consumer को goods बेचता है, और indirect channel जहां पर कुछ लोगों का use किया जाता है goods के distribution में। Indirect channel is of three types, that is one level, two level and three level.
What is one level channel? In one level channel, producer is selling the goods to the retailer. Retailer is selling the goods to the consumer. So producer retailer ko bechta hai, retailer consumer ko bechta hai. In second level channel, producer is selling the goods to the wholesaler, or wholesaler's goods ko bechta hai retailer ko, or retailer se wo goods pahunchta hai consumer tak. Then हम बात करते हैं थर्ड लेवल चैनल में वो गुड्स प्रोड्यूसर से पहुंचता है एजेंट या तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उस डिस्ट्रीब्यूटर से वो गुड्स पहुंचता है होलसेलर के पास होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर. तो ये है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिससे कंपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है. दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने बताया कि सेलिंग प्रोसेस और मार्केटिंग प्रोसेस विल नॉट बी एंड अंटिल अनलेस यू रिसीव द गुड्स इन अ फिजिकल फॉर्म. तो फिजिकल मूवमेंट गुड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कंपोनेंट्स क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के. तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंपोनेंट है सबसे पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग. कि सबसे पहले यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर. सबसे पहले आपको ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा. यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर विद द प्रोड्यूसर. देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन. वंस द ऑर्डर इज प्रोसेस्ड इट इज गोइंग वंस द ऑर्डर इज रिसीव्ड वंस द ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द कंपनी तब कंपनी देन कंपनी इज गोइंग टू डिलीवर द गुड्स थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन. कंपनी ट्रांसपोर्टेशन मोड डिसाइड करेगी कि थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कंपनी इज गोइंग टू सेंड यू द प्रोडक्ट. देन वेयरहाउसिंग. जैसा कि हम जानते हैं कि गुड्स का कंजम्पशन इमीडिएटली नहीं होता जब हम उसे प्रोड्यूसर से खरीदते हैं. फॉर द टाइम बीइंग अंटिल अनलेस द गुड्स आर नॉट बीन डिमांडेड. जब तक उस गुड्स की डिमांड नहीं हो रही देन वी हैव टू मेक श्योर दैट द गुड्स शुड बी पैरिशेबल एंड इट शुड बी सेफ. ताकि गुड्स पैरिशेबल रहे खराब ना और सेफ रहे तो उसको क्या करते हैं वेयरहाउसेस में डाल देते हैं. देन इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री. एक वर्ड आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं अकाउंटेंसी में आप जानते हैं इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल अबाउट हमें डिसाइड करना है हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल अबाउट कि कंपनी कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहती. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बारे में प्रमोशन. प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब वो ऑल दोज एक्टिविटीज. वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू वो सारे टूल्स जो वो सारे वेरिएबल्स वो सारे टेक्निक्स जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज या प्रमोट करते हैं. प्रमोशन करना बहुत जरूरी है कंपनी के लिए. अंटिल अनलेस जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक लोग खरीदेंगे कैसे और खरीदेंगे क्या. तो प्रमोशन करना बहुत जरूरी है. दैट मींस लेट द पीपल नो व्हाट यू हैव गॉट. आपको क्या मिला है आपने क्या बनाया. तो प्रमोशन मिक्स मींस ऑल दोस डिसीजन रिलेटेड टू द प्रमोशन. प्रमोशन मिक्स का मतलब वो सारे डिसीजन जो प्रमोशन को लेकर लिए जाने वाले हैं. वो सारे टूल्स जिनको इसलिए डिजाइन किया है ताकि हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और उन्हें परसुएट कर सके उन्हें कन्विंस कर सके सो दैट दे कैन मेक अ परचेज. तो प्रमोशन मेक्स ऑल अबाउट ऑल दोज वेरिएबल और विच आर डिजाइंड टू इन्फॉर्म जिनको बनाया गया है कि ताकि हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर सके और उन्हें अट्रैक्ट कर सके ताकि वो उस प्रोडक्ट की परचेजिंग कर सके. तो सबसे पहला प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है एडवर्टीजमेंट. व्हाट इज एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म है और एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके लिए स्पॉन्सर चाहिए. तो व्हाट इज एडवर्टीजमेंट. इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. पेड फॉर्म एंड अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिक्वायर्स आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन. एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म इसलिए है दैट यू हैव टू पे समथिंग. लाइक इफ यू वॉन्ट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट तो आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चार्जेस पे करने पड़ेंगे. तो इसलिए एक पेड फॉर्म है. Why advertisement is an impersonal form of communication? क्योंकि बेटा advertisement हमेशा या तो computer, या तो online, या तो offline और media के through होता है. तो वो क्या है एक one way communication है. आपको चीजों के बारे में पता चलता है. Impersonal form of communication है क्योंकि यहां पर जिस company ने उसका advertisement दिया है इस product का advertisement दिया है you got no facial interaction with the company. तो impersonal form of communication है और advertisement के लिए जरूरी है एक sponsor जो कि उस product के एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट को जो बियर करेगा. देन हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग. व्हाट इज पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग मींस सेलिंग द गुड्स पर्सनली. किसी को पर्सनली बेचना. जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूजुअली जहां पर हमारे जो नेटिव प्लेस पर जो शॉप्स हैं वहां से हम जो गुड्स परचेज करते हैं तो जो सेल्समैन हमें जो गुड्स बेचता है उसे हम सेल्समैन बोलते हैं. एंड दैट एंटायर प्रोसेस नोन एज पर्सनल सेलिंग. तो पर्सनल सेलिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग द गुड्स
पर्सनली, तो पर्सनली जब आप गुड्स को बेचते हैं तो कई सारे एडवांटेज ये भी हैं कि आपको एक मौका मिलता है कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाने का, आप अपने मैसेज को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली आप जानते हैं सामने वाले का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है और आपको उसका तुरंत फीडबैक मिल जाता है। और पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी जहां पर फेशियल इंटरेक्शन होता है, एडवर्टीजमेंट की तरीके से नहीं है, जहां पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। याद रखेगा कि एडवर्टीजमेंट एक मोनोलॉग है, पर्सनल सेलिंग एक डायलॉग है। हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पब्लिक रिलेशन। व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन मींस मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन विद द पब्लिक। पब्लिक के साथ पब्लिक रिलेशन बनाना, यानी समाज के साथ सामाजिक रिश्ते बनाना पब्लिक रिलेशन कहता है। पब्लिक रिलेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक के बारे में जाकर, पब्लिक के बीच जाकर अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट की इमेज को समझे, अपने प्रोडक्ट के फीडबैक को समझे कि लोगों के अंदर उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर क्या क्या कंपनी के रिव्यूज है, ऑल है, और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो फिर उनको रेक्टिफाई भी किया जाए। तो पब्लिक रिलेशन ऑल अबाउट मेंटेनिंग द पब्लिक रिलेशन विद द पब्लिक। अगर हम बात कर ले, पब्लिक रिलेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल आप देखिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी अपना एक पीआर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करती है ताकि अगर किसी भी कंज्यूमर को कंपनी के प्रोडक्ट से लेकर अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, देन दे कैन गो फॉर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लीगल एक्शन, कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले वो कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर कैन अप्रोच टू पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी और वहां पर वो अपने जो वैल्यूएबल सजेशन है, जो उसकी ग्रीवियंसेस है या जो उसकी प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, ही कैन जस्ट पुट फॉरवर्ड ऑल दोस प्रॉब्लम्स टू द पीआर डिपार्टमेंट। तो इसलिए कंपनी ने पीआर डिपार्टमेंट रखा हुआ है। अच्छा, पीआर डिपार्टमेंट सिर्फ इसी का काम नहीं करता। आप जो न्यूज़पेपर में आजकल देखते हैं कि कंपनी के अचीवमेंट्स के, टाटा कंपनी ने सबसे एक चीपेस्ट कार बनाई, या फिर किसी भी कंपनी के अचीवमेंट या उनके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात, तो आपको क्या लगता है वो पॉजिटिव बात मीडिया तक कैसे पहुंचती है? पब्लिक रिलेशन के थ्रू पहुंचती है, क्योंकि जिस कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है कंपनी के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मीडिया में स्प्रेड करना और एक फेवरेबल कवरेज लेना। पीआर डिपार्टमेंट का काम सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा यूटिलिटी में तब आता है जब कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड हो रही हो, जैसे कि हमारा मैगी के साथ हुआ। तो फिर आप देखिए कि मैगी के बाद जब वो उसके ऊपर जितने भी काइंड ऑफ एलिगेशन थे, तो ऑल दोज एलिगेशन प्रूव्ड रॉन्ग, और फिर क्या किया, पीआर डिपार्टमेंट में ने अपना काम दोबारा से इनिशिएट किया और एक नई इमेज, एक पॉजिटिव इमेज पब्लिसाइज करना शुरू किया। अच्छा, इस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, इस पीआर डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड्स होते हैं और इनके प्रेस के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड्स होते हैं। पब्लिक रिलेशन हर कंपनी के लिए बहुत जरूरी है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि कोई भी कंपनी जो है स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करा रही है, आप देखते हैं कि जितने भी अवार्ड्स फंक्शन होते हैं, इस अवार्ड फंक्शन को स्पॉन्सर या फिर ब्रॉट टू यू बाय आप बोलते हैं कि आपने देखे होंगे सारे अवार्ड फंक्शन, यहाँ पे बोला जाता है कि दिस अवार्ड फंक्शन, दिस अवार्ड शो इज बीन ब्रॉट टू यू बाय और को स्पॉन्सर स्पॉन्सर बाय लक्स दिस 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 डॉट। तो ये क्या है, ये उनका पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने का एक तरीका है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने इस चैप्टर नंबर 11 में कवर किया। आई होप इस चैप्टर से आपको बहुत सारे यूजफुल टॉपिक मिले होंगे, और अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है या कुछ डाउट है तो आप हमें पर्सनल डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विच इज कॉमर्स मीडिया, और इधर यू कैन डायरेक्ट डीएम मी ऑन माई पर्सनल अकाउंट विच इज SMKHN8683, यू कैन जस्ट सर्च मी सलीम खान ऑन द इंस्टाग्राम। तो आई विश के आई एम गिविंग यू द बेस्ट कॉन्टेंट विच इज एज मच एज पॉसिबल, और कल हम मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग।